शिवरात्रि के पर्व पर जनपद में लाखों भक्तों ने किया जलाभिषेक। जी हाँ, आपको बता दें कि खबर इस समय यूपी के रायबरेली जनपद से आ रही है। वैसे आप लोगों ने जिस प्रकार देश व प्रदेश के विभिन्न जनपदों में शिवरात्रि के पावन पर्व पर भक्तों को जलाभिषेक करते देखा, उसी क्रम में रायबरेली जनपद में भी शिव भक्तों ने शिव मंदिरों में जलाभिषेक करने का कारवा किसी अन्य जनपद से कम नहीं दिखा। एक तरफ जहां सलोन तहसील के मटका गांव स्थित अति प्राचीन मंदिर झारखंडेश्वर में आधी रात से भी भक्तों का तांता दिन भर बंधा रहा और गांव वहां के पुजारी अखिलेश गिरी व मंदिर प्रांगण के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले समाज सेवी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हजारों की संख्या में भक्तों ने जलाभिषेक किया, जिसमें स्थानीय पुलिस प्रशासन का भरपूर सहयोग रहा। वहीं यदि दूसरी तरफ देखा जाए तो जनपद के ऊंचाहार तहसील स्थित मिर्जापुर एहारी के बूढ़े बाबा मंदिर में भी हजारों की संख्या में भक्तों ने जलाभिषेक किया तथा रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। जनपद की ये दोनों ऐसे ऐतिहासिक मंदिर है जो की अपने आप स्वतः निकले हैं और जनपद के दोनों मंदिरों में सैकड़ों किलोमीटर दूर के भक्त सावन मास व शिवरात्रि के पावन पर्व पर जलाभिषेक करते हैं, जो की एक आस्था का केंद्र बना। रायबरेली से जिला ब्यूरो चीफ अनुभव शुक्ला की खास खबर। दादाजी, क्या नाम है आपका? महावीर गोस्वामी। कहाँ के निवासी हैं आप? रात श्री बूढ़ेनाथ पुरम धाम मिर्जापुर बिहारी। दादाजी, क्या है आप यहाँ पर? मंदिर के पुजारी। दादाजी, इस मंदिर के इतिहास में कुछ बताएं जो है। बहुत पुराना मंदिर है भाई, ये प्राचीन काल का मंदिर, बहुत पुराना है। आप लगभग कितने दिनों से इस मंदिर में सेवारत हैं? अरे, हमें पुरखन के बीच का हम भी लोग कर रहे हैं बचपन से। दादाजी, लगभग कितने भक्त आए होंगे आज जलाभिषेक करने के लिए? एक तो गिनती नहीं किया, लेकिन 4 बजे से अपरंपार भीड़ है। अच्छा, अब अंदाजा आप मुझे लगा लो कितना आदमी आवा है।